जिंदगी को हम लोग समझते हैं बहुत लंबी है, परंतु आप लोग जानते हैं कि जिंदगी की अगली सांस आए कि ना आए, परंतु हमें यह पछतावा रहता है कि इस भले व्यक्ति से हम मिल क्यों ना पाए। कुछ समय और बिता लिया होता, कुछ अच्छाइयां, कुछ ज्ञान प्राप्त किया होता, परंतु हम अहंकार और घमंड के कारण जिस व्यक्ति से संपूर्ण जीवन नहीं मिलते, कोई बात हो जाए तो दिल में यूं दबा लेते हैं, ऐसा खंजर खोद देते हैं मानो कल की ही बात हो। जब हम जिंदा रहते हैं तब हमारी कदर नहीं होती, मरने के बाद कंबल के ढेर लगा दिए जाते हैं, शॉल के ढेर लगा दिए जाते हैं। जब तक जिंदा था तब तक तो कोई इज्जत नहीं की, तब आपने एक रुमाल का टुकड़ा भी नहीं दिया, मरने के पश्चात उनके रिश्तेदारों से मिलने आते हो। जब वह जिंदा थे तो चंद समय उनके साथ क्यों नहीं बिताया, यह पछतावा संपूर्ण जीवन मनुष्य को रहता है। कई बार देखा होगा आपने, आप फोन पर बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है वह तो संसार छोड़ गए। कोई आपकी गली से गुजरा हो और चंद समय बाद पता चले वह तो चले गए। पछतावा तब हमें होता है कि उस भले व्यक्ति के साथ चंद समय और बिता लिया होता, परंतु जब तक मनुष्य जिंदा है उसकी बुराइयां अच्छाइयां उसको बताएं, गले मिलें, पता नहीं कौन सा पल आता ही हो, संपूर्ण जीवन पछतावा करने से अच्छा है। जब वह जिंदा है तो उनकी गलतियों को माफ कर दे, मरने के बाद भी तो करोगे ना। तब क्या मैंने देखा है कि तुम आओगे यही कहोगे कि बहुत भले इंसान थे, कल ही तो हम मिलके गए थे, कल हमारी बात हुई थी, परंतु जिंदा रहते अगर उनकी गलतियों को माफ कर दे तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। चंद समय बिता लीजिए, क्या पता कोई अगली सांस आए ना आए, संपूर्ण जीवन पछताने से अच्छा है कि थोड़ा झुक जाए। संपूर्ण जीवन पछताने से अच्छा है कि चंद समय अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर परिवार पर दीजिए, वरना घर वाले पछताएंगे और आप। यह कीमती समय जो है, मरने के पश्चात तो सभी देव हो जाते हैं।
परमात्मा हो जाते, परंतु जो जीवित रहते आत्मा से आत्मा का मिलन होता है वही तो परम सुख है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं किसी से बैर न कीजिए। जो परमात्मा ने ये सांसें दी हैं वह बैर करने के लिए थोड़ी ना दी। मान लो मेरी मृत्यु हो जाए तो कल भी तो आओगे और मेरी गलतियां माफ करोगे, परंतु यह सुनने के लिए यह देखने के लिए मैं तो ना रहूंगा। आज जो देना चाहते हो वह दे दो, जो कपड़े पहनाना चाहते हो वह पहना दो, कल मेरे मरने के पश्चात शाल के ढेर लगाओगे उसका क्या फायदा। मरने के पश्चात क्रिया में लाखों की संख्या में आओगे, करोड़ों की संख्या में आओगे, हजारों की संख्या में आओगे, सौ की संख्या में आओगे, तो यह समय आज क्यों नहीं निकालते। आज आपका समय कीमती है। जब मैं यह संसार छोड़कर चला जाऊंगा तब भी तो समय निकाल कर आओगे ना। यह सबके ऊपर लागू है, आप पर, मुझ पर। गलतियां तब भी माफ करोगे, आज ही माफ कर दो ना। जितना प्रभु ने समय दिया है हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, पछतावा न रहे कि हम चंद समय बिता न सके।